दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एंड क्लिक पर। मेरा नाम है राशिद। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे मित्र डॉक्टर कामरान खान जी। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब द्वारा हिमालय की एक बहुत अच्छी रेंज क्लिक की गई है जिसको कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर साहब द्वारा लगभग 500 किलोमीटर की रेंज को क्लिक किया गया था। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी रेंज जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली इसके लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपसे चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय है जी। आप भी ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, मैं भी हूँ, और हमारे बहुत से साथी जो है वो ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और हर जगह जाना भी चाहते हैं, घूमना भी पसंद करते हैं। तो आज का विषय ये है कि डॉक्टर साहब बेसिक्स ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी जी क्या होती है जी। और हमने देखा है अक्सर लोग जो है ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं और वो उस जगह के वो अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं जिनको भी उन्हें कैप्चर करना चाहिए था जी। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रैवल फोटोग्राफी है क्या। है क्या, तभी हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर के वहाँ की अच्छी तस्वीरें ले सकेंगे। तो ट्रैवल फोटोग्राफी किसी भी जगह के लैंडस्केप्स की फोटोग्राफी तो है ही जो आम तौर पे लोग करते हैं, लेकिन लैंडस्केप्स के अलावा वहाँ के लोगों की और वहाँ के कल्चर की, वहाँ के कस्टम्स की जो वहाँ रीति रिवाज हैं और वहाँ के इतिहास की उसमें एक फील आनी चाहिए। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ट्रैवल फोटोग्राफी में लैंड एंड पीपल जी, तो वहाँ के लैंडस्केप्स भी हों, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स भी हों, वहाँ की गलियाँ भी हों, वहाँ के बाज़ार भी हों, वहाँ के लोग भी हों, वहाँ के लोगों के जो ख़ास परिधान है जो वो पहनते हैं जी, वो भी हों, वहाँ का कल्चर क्लिक किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रैवल फोटोग्राफी में आती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जब फोटो क्लिक करते हैं और किसी को दिखाते हैं तो वो फोटो देख के ये कहे कि साहब ये फोटो जयपुर हाँ, की है जी, जी, ये फोटो आगरा की है, ये फोटो दिल्ली की। बिल्कुल राशिद भाई, वो तस्वीर देखने के बाद एक फील आनी चाहिए कि ये, अरे ये तो वहाँ की तस्वीर है जी। तो वो फील बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रैवल फोटोग्राफी में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी में आगे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज अ बिगनर एक ट्रैवल फोटोग्राफर को अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ कैरी करना चाहिए। जी बहुत अच्छा सवाल है। जब एक ट्रैवल फोटोग्राफर को घर से जब निकले तो उससे पहले अपनी किट को चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई चीज़ हमारी ऐसा तो नहीं हम घर पर छोड़कर चले जाएं जी, और हमारे पूरी ट्रिप जो है वो एक तरह से ज़ाया हो जाए। तो उसमें हमें ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने कैमरा लेंसेज रख लिए हैं जी, और बैटरी हमारे पास स्पेयर में हो तो बहुत अच्छी बात है, एक दो बैटरीज एक्स्ट्रा रख लीजिए, एक दो मेमोरी कार्ड्स भी एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है किट में, और चार्जर अगर एक एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा ट्राईपॉड ले जाना ना भूलें क्योंकि हमें लो लाइट कंडीशंस में भी कई बार काम करना होता है तो ट्राईपॉड बहुत हेल्पफुल होता है। लेंस क्लीनिंग किट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत सारे डस्ट मॉइस्चर और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम शाम को जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ हम पहुँचें तो अपने कैमरे पर ध्यान दें, उसको क्लीन करना सेम डे बहुत ज़रूरी है। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो अगर हमने उस पर छोड़ दिए कि भाई हम घर जाकर या चार दिन बाद क्लीन कर लेंगे तो एक परमानेंट स्पॉट्स उस पर बनने के चांसेस होते हैं क्योंकि कोटेड लेंस होते हैं, तो इसलिए क्लीनिंग किट भी होना बहुत ज़रूरी है, यही सब ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं जैसे 32 GB या 64 GB का मेमोरी कार्ड ले लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हमें एक बड़ा कार्ड लेना जरूरी सही रहता है या छोटे छोटे कार्ड हम हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है राशिद भाई। रिकमेंडेड यही है कि हम
एक बहुत बड़े कार्ड बहुत के बजाय हम छोटे छोटे 3 या 4 कार्ड्स रख लें जी। कई बार ऐसा होता है कि कार्ड ख़राब भी हो सकता है, कार्ड हम भूल से कुछ डिलीट कर रहे हैं जैसे कि कुछ लोग करने लगते हैं, जबकि बिल्कुल भी हमें डिलीट नहीं करना चाहिए कुछ भी, बाद में ही हमें जब हम आ जाएं देख करके उसको करना चाहिए। तो कई बार हम डिलीट करते हैं तो पता चला कि भूल से कोई हमने गलत अगर प्रेस कर दिया तो पूरा का पूरा कार्ड जो है वो फॉर्मेट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा पूरा डाटा लॉस होने के चांस, डाटा लॉस। इसलिए कम मेमोरी के ज़्यादा कार्ड्स आपके पास हों तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो सपोज़ कीजिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं एक जगह गया था तो मैंने वहाँ सब घूमा घामा, उसके बाद जब वापसी कर रहा था तो एक मित्र का फ़ोन आया कि बोले आप वहाँ गए हुए हैं, वहाँ एक जगह पड़ती ज़रूर जाइएगा, तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, तो मैं जानना चाहता हूँ इस पर कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक बात है, इसके लिए हम जिस जगह जा रहे हैं जी उसको उसकी पहले से स्काउटिंग कर लें जी, उसके बारे में पढ़ लें जी, किसी किताब से पढ़ लें जी, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से आप उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, तो काफ़ी सारी जानकारी आप उसमें एकत्रित कर लें किसी भी माध्यम से, आपको पता होना चाहिए, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फोटोग्राफी में, इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक मार्गदर्शन और करिएगा कि जब हम फील्ड में होते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो अक्सर कुछ लोग जो है बहुत असहज महसूस करते हैं, वो चाहते हैं, सोचते हैं कि कोई हमारी तस्वीर क्लिक ना करे या हमारे परमिशन के बिना हमारी फ़ोटो ना खींचे, वहाँ का जो लोकल जो रेजिडेंट्स होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस होते हैं वहाँ तो टूरिस्ट आते रहते हैं और वहाँ के लोग भी बहुत यूज्ड टू हो चुके होते हैं, वो कोई ऑब्जेक्शन किसी तरह का नहीं करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और तस्वीर क्लिक करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए जी। कुछ देर उनसे बात कर सकते हैं, नॉर्मली 2-4-5 मिनट, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो 100% केसेस में यही होता है कि मना नहीं होता है, जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, उनके मन में शंका ये होती है कि साहब हमारे पास तो सिर्फ मोबाइल है या प्रोज्यूमर कैमरा है और या फिर हमारे पास एक अच्छा DSLR कैमरा नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो इक्विपमेंट की कोई लिमिट नहीं है जी, पर ऐसा भी नहीं है, मैंने देखा है कि आजकल मोबाइल से लोग ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं जी, व्लॉगिंग कर रहे हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत व्यूज़ हैं, लोग बड़े उनको शौक से देखते हैं, इंतज़ार करते हैं उनके नेक्स्ट वीडियो का, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक मोबाइल कैमरे से भी अच्छी ट्रैवल फोटोग्राफी कर सकते हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे अब अपग्रेड करना चाहिए तो आप ज़रूर कीजिए, आगे कोई लिमिट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को पहले तो इतना कैपेबल कर लें कि एक हम साधारण कैमरे से अगर हम अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हैं, जब ही हम अपने को अपग्रेड करें। बिल्कुल सही बात है, हमें पता होना चाहिए ट्रैवल फोटोग्राफी क्या है, हमें कुछ कंपोजिशन का आइडिया होना चाहिए, अच्छे अच्छे तस्वीरें हमें देखना चाहिए, अच्छे ब्लॉग्स देखना चाहिए, उससे हमें आइडिया होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो हम एक सिंपल से 2 रुपए के कलम से हम अच्छा लिख सकते हैं, और अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो 1 लाख रुपए की पेन भी हमारे लिए बेकार बेकार, ये बात है। तो डॉक्टर साहब, आपका मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन थोड़ा सा समय मैं आपका और लूँगा, मैं बस एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि अगर हम जब फील्ड में हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, फील्ड में फोटोग्राफी करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि लोगों की फोटोग्राफी करते वक्त उनकी परमिशन ले लें जी, और जहां आप गए हैं कोशिश करें कि सुबह सवेरे उठें जी, अर्ली मॉर्निंग में तस्वीरें अच्छी बनती हैं, सुबह की तस्वीरें लें, इसी तरह से शाम के वक्त भी तस्वीरें आप लें, रात के वक्त नाइट शॉट्स भी आप ट्राई करें, बहुत अच्छी तस्वीरें रात में भी बनती हैं,
और कंपोजिशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, रूल ऑफ थर्ड आपको जहन में होना चाहिए। तो एक अच्छा कंपोजिशन जब होता है तो वो फोटोग्राफ ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जी, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका अच्छा इम्प्रेशन आता है। दूसरी बात एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें जी। जो एंगल है फोटोग्राफी का वो उसको चेंज करने की कोशिश करें, लो एंगल। कई बार आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर बिल्कुल ज़मीन पर लेटकर तस्वीरें ले रहा होता है जी, जी। तो उसका मकसद होता है, कई बार लो एंगल और हाई एंगल बहुत ही अच्छा उससे तस्वीर निकलती है। तो थोड़ा सा अपना जो आपका विषय है उसको देख लें और ज़रा से ज़रा देर सोच लें कि इसमें मुझे लो एंगल अच्छा रहेगा या थोड़ा सा हाइट पर मुझे जाना है। तो ये चीज़ें अच्छा, फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, इसका भी अपनी तस्वीर में ध्यान रखें। कोई चीज़ बहुत अच्छी सी लगी हमने और उसको क्लिक करने से पहले 2-4 सेकंड लगते हैं सोचने में कि मैं थोड़ा दाएं बाएं हो करके उसकी जो बैकग्राउंड है और जो मिड ग्राउंड है उसको भी अच्छे से कंपोज कर लें। और एक चीज़ और है, ट्रैवल फोटोग्राफी में, लैंडस्केप्स में, मॉन्यूमेंट्स में एक ह्यूमन एलिमेंट जी जी बहुत ही उसकी एक महत्व होता है। अगर ह्यूमन एलिमेंट होता है, कोई आपका वहाँ पर कोई व्यक्ति है आपकी तस्वीर में, आप खुद भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त है, साथी है, तो उसका भी आप तस्वीर में अगर समावेश कर लें तो उस तरह से भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनकर आ जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ह्यूमन एलिमेंट है तस्वीर में तो इस तस्वीर की जो वैल्यू जो है वो और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, जीवंतता जीवंतता की तस्वीर में जीवन भी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत, आपने बताया। वैसे तो जो ये विषय है ट्रैवल फोटोग्राफी, अगर इस पर वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है और इसमें बहुत सारे हर अलग अलग पार्ट्स की हम बना सकते हैं जी। ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। राशिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी के और बारे में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का अपना एक चैनल है फोटो टिप्स, वहाँ पर आपको फोटोग्राफी से रिलेटिव ट्यूटोरियल मिलेंगे जिनको कि आप देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की जो हिमालय की रेंज है वो भी आप जो है उस फोटोग्राफी टिप्स पर देख सकते हैं, जिसको कि देखने के लिए लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।